इसलिए सबसे आगे है। फिर नरेंद्र मोदी को पता चला, अरे बाहर के आधे देश तो बौद्ध है, गीता लेकर जाए तो पैसे मिलेंगे नहीं। फिर ये बुद्ध की मूर्ति लेकर जाने लगे, फिर बुद्ध की मूर्ति लेकर जाने लगे और वहां पर जाके कहने लगे कि मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूं, हमारा देश बहुत गरीब है। और ये सच्चाई है, आज भी भारत बहुत गरीब है। 50,000 रुपए का कर्जा आपके बच्चों के ऊपर है, इतना कर्ज में ये देश डूबा है। और ये वहां जाके कहते हैं कि मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूं, बौद्ध भूमि से आया हूं, हमारे देश को विकास करना है इसलिए हमें पैसे चाहिए। जापान ने 1,40,000 करोड़ रुपए भारत को बुलेट ट्रेन के माध्यम से दिए हैं। 1,40,000 करोड़, कितने जीरो आते हैं ये आप लोग गिन नहीं पाओगे। इतने पैसे इस देश में बुद्धा के नाम पर इस देश में पैसे आ रहे हैं। लेकिन जैसा ही ये पैसा इस देश में बुद्धा के नाम पर आता है, ये सारा पैसा अडानी और अंबानी को ट्रांसफर हो रहा है, ये बौद्धों के नाम पर नहीं आ रहा। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, परदेश के बौद्ध आपको बौद्ध के नजर से नहीं देख रहे, उनको लगता है ये कोई दलित है, ये कोई दलित है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये दलित शब्द लगाना आप बंद कर दीजिएगा, ये चमार शब्द लगाना बंद कर दीजिएगा, महार शब्द लगाना बंद कर दीजिएगा, वाल्मीकि लगाना बंद कर दीजिएगा। जिस दिन आप इस देश में केवल एक आइडेंटिटी निर्माण करोगे कि हम लोग दलित नहीं है, हम लोग बौद्ध है, ये सारे बौद्ध नरेंद्र मोदी को हटाकर वो सारा पैसा आपके विकास के लिए डालेंगे, इतना ताकत बौद्ध धर्म में। ये बुलेट ट्रेन लेकर आ रहा है अहमदाबाद से लेकर मुंबई में, एक घंटे में ये सफर तय करने के लिए बुलेट ट्रेन ला रहे हैं। मगर इस देश में जो स्कूलें हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो बंद हो रही है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो रही है और बुलेट ट्रेन का निमंत्रण दिया जा रहा है। जापान में एक शिक्षा नीति चलाई जाती है, क्या शिक्षा नीति है, वहां पर बचपन से ही तर्क करने का नॉलेज दिया जाता है, तर्क करने का शिक्षा वहां पर बच्चों को दी जाती है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमें जापान के बुलेट ट्रेन की नहीं, जापान के एजुकेशन सिस्टम की इस देश को ज्यादा जरूरत है, वहां की स्कूल, वहां की कॉलेज इस देश में लेकर आओ। लेकिन ये वो नहीं कर रहे, एक तरफ बाबा साहब का पुतला आपको दे देंगे मगर बाबा साहब की एजुकेशन सिस्टम बंद कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये लोग आप लोगों को सिर्फ भावनात्मक दृष्टि से इकट्ठा करके बाबा साहब के लिए जो चाहिए वो दे देंगे, लेकिन बाबा साहब के मूलभूत अधिकार छीनने का काम ये कर रहे हैं। देखिए, अभी 2 साल पहले इन्होंने कैशलेस का नारा दिया। इस देश में जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, क्या वो पैसों के वजह से होता है? क्या हमारे घरों को इसलिए जलाया जाता है कि हम अमीर हैं? नहीं, हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते हैं वो पैसों के वजह से नहीं, जाति के वजह से होती है। मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहूंगा, इस देश को कैशलेस करने की नहीं, कास्टलेस करने की ज्यादा जरूरत है, कास्टलेस करने की जरूरत है। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सारी जाति व्यवस्था से हम लोगों को बाहर निकलना होगा, जाति व्यवस्था से हम लोगों को बाहर निकलकर इस देश में बौद्ध बनकर एक आइडेंटिटी निर्माण करनी होगी। और ये बौद्ध आइडेंटिटी जो बाबा साहब ने हम लोगों को 1956 में बना कर दी थी, उसको फिर से हम लोगों को उजागर करके सारे बौद्ध राष्ट्रों के सामने हम लोगों को जाना होगा। अभी गए महीने ही मैं आपके दिल्ली में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, 28 देशों के वहां पर प्रतिनिधि उपलब्ध थे, उपस्थित थे 28 देशों के। लेकिन वहां पर बुद्धिस्टों के नेतृत्व करने वाला एक भी आदमी वहां पर नहीं था, एक भी व्यक्ति वहां पर बौद्धों का नेतृत्व करने वाला नहीं था। वहां पर सारे बौद्ध राष्ट्रों से जो व्यापार इस देश में आने वाला है वो ब्राह्मण लेकर जा रहे हैं, वो सिख लेकर जा रहे हैं, वो मुस्लिम लेकर जा रहे हैं, मगर एक भी बुद्धिस्ट वहां पर ये व्यापार मांगने के लिए वहां पर नहीं है। हमारे लोग बाहर जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं, थाईलैंड में जाते हैं, जापान में जाते हैं और वहां से बुद्धा की मूर्ति लेकर आते हैं और
इन्हीं बौद्ध राष्ट्रों में भारत के ब्राह्मण जाते हैं, वहां पे बुद्ध की मूर्ति नहीं लाते, बिजनेस लेकर आते हैं और अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं। ये सारी बातें आप लोगों के पास लाने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हम लोग अनेक सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, और इस देश के जितने भी लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर इस सारी बौद्धों को जागतिक प्लेटफॉर्म पे, पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेकर आने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के सरकार के मंत्री आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आनंद हेगड़े का स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग इस सत्ता में संविधान बदलने के लिए आए, हम लोग संविधान बदलने के लिए आए। मैं पिछले महीने में हरियाणा में था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्यसभा में हमारी कुछ सीटें अभी कम है, जैसे ही वो बढ़ेंगी हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। रोज इस देश के संविधान को खतरा है, हर रोज इस देश के संविधान का एक एक पन्ना फाड़ा जा रहा है, वहां पर हम लोगों की कोई नजर नहीं है, हम लोग कोई भी वहां पर पहल नहीं कर रहे, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे। सम्राट अशोक के कार्यकाल में इस देश में बौद्ध धर्म को सुरक्षित रखा गया। सम्राट अशोक के कार्यकाल में इस देश में इन्हें पूरे युग में ये इस बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बौद्ध धर्म को उस समय राजाश्रय था। आज भी इस देश में, यहां पर दिल्ली में हम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा इसलिए ले पा रहे हैं कि आज भी एक राजाश्रय हम लोगों को प्राप्त है, और वो राजाश्रय क्या है? इस देश का संविधान आज हमारा राजाश्रय है। उस समय सम्राट अशोक का राजाश्रय चला गया, इस देश से बौद्ध धर्म को मिटा दिया गया। आज अगर इस देश के राजाश्रय को अगर हम नहीं बचा पाए तो कल जाकर इस देश में बौद्ध धर्म के कोई सम्मेलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस देश के बौद्धों का पहला कर्तव्य है इस देश के संविधान को बचाना, और इसी मैदान पर आने वाले संविधान दिन पर 26 नवंबर 2018 को इसी मैदान में आप लोगों ने कहा था कि 5 लाख लोग यहां पर दीक्षा लेंगे, आप लोगों का जो सपना है वो 26 नवंबर 2018 को इसी मैदान से हम लोग पूरा करेंगे। इसी मैदान में 26 नवंबर को संविधान बचाओ देश बचाओ के नाम से हम लोग पूरे अलग अलग आजू बाजू के राज्यों में रोज काम कर रहे हैं। वो 5 लाख लोग लाने का काम आने वाले समय में हम लोग यहां पर करने वाले हैं, और इसलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आज जो आप लोग यहां पर बुद्धिस्ट बने हो, अपनी जो प्रथाएं हैं वो सारी प्रथाएं छोड़ दो। देखिए मैं जाते जाते एक ही उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप लोग गोबर पता है आप लोगों को, उस गोबर के ऊपर कुछ मक्खियां वहीं पर जन्मी थी, वही गोबर खाती थी, उसी के ऊपर सो जाती थी। कुछ मक्खियां वहां से गुजर रही थी, उन्होंने देखा ये हमारे ही भाई बहन है, ये गंदा गोबर क्यों खाते हैं। हम लोग जिस गार्डन में रहते हैं, जिस बगीचे में रहते हैं, वहां अच्छे अच्छे फूल हैं, अच्छे अच्छे फल हैं। अगर इनको वहां पर लेकर जाया जाए और वहां पर अगर ये फूलों का और फलों का अगर मद प्राशन करें तो इनका जीवन भी सुधर सकता है। इसलिए वो मक्खियां नीचे उतरी, वो गोबर पे बैठी हुई मक्खियों को आकर उन्होंने कहा कि बाजू में एक अच्छा बगीचा है, आप लोग हमारे साथ चलो, वहां पर बहुत सारे फूल है, बहुत सारे फल है, उसका रस पीने का काम आप लोग कीजिए। कुछ मक्खियों ने कहा ऐसा कोई बगीचा नहीं होता, ऐसा कोई फल नहीं होता, फूल नहीं होता। नहीं, कुछ मक्खियों ने कहा नहीं, सही में होता है, आप चलो हमारे साथ। 2-3 मक्खियां राजी हो गई, और राजी होने के बाद वो उनके साथ उड़कर उस बगीचे में आई। बगीचे में आने के बाद उन्होंने देखा, अरे यहां पर सही में फूल है, फल है। हर एक मक्खी उस फूल के ऊपर बैठी, फल के ऊपर बैठी, उसका रस प्राशन किया, और रस प्राशन करने के बाद उन्हें याद आया, अरे कुछ मक्खियां हमारे भाई बहन उसी गोबर के ऊपर रह गए, उन्हें वहां पर जाकर बताया जाए कि यहां पर सही में फूल है, फल है, और यहां का रस अगर वो प्राशन करते हैं तो उनका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए वो वापस उड़कर उस गोबर पे आई और उनके भाई बहनों को उन्होंने बताया कि वहां में सही में फल और फूल है।
उन मक्खियों ने फिर से संदेह व्यक्त किया, अगर वहां पर जाते जाते फल और फूल खत्म हो गए तो इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा गोबर पहले ही अपने मुंह में भर लेते हैं। अगर वहां पर नहीं कुछ मिला तो गोबर खा लेंगे। तो वो अपने अपने मुंह में थोड़ा थोड़ा गोबर का गोला भर लिया और वहां से उड़कर उस बगीचे में आए। उस बगीचे में आने के बाद वो सारी मक्खियां फूलों के ऊपर, फलों के ऊपर बैठी, उन्होंने अपना रस प्राशन करना शुरू कर दिया। प्राशन करते करते उन्हें इतनी गंदी उसकी टेस्ट आ रही थी, तो वो जिन मक्खियों ने इनको लाया था उनको आकर पूछे कि इतने गंदे फल है और कितने गंदे फूल है, हमको नहीं चाहिए ये। उन मक्खियों ने फिर से कहा कि फिर से पी के देखो। फिर से उन्होंने वो मध प्राशन किया। प्राशन करने के बाद फिर से उन्होंने कहा ये तो गंदा इसका स्वाद आ रहा है। फिर मक्खियों ने पूछा अपना मुंह खोलकर देखो, दिखाओ अपना मुंह खोलकर दिखाओ। जैसे ही उन मक्खियों ने अपना मुंह खोला, मुंह के अंदर गोबर का गोला वैसा ही था। आप लोगों को मैं यह बताना चाहूंगा कि आज आप जो इस बौद्ध धम में आ रहे हो, बौद्ध धम में आने के बाद अपने मुंह में के जो हिंदू धर्म के गोबर के गोले हैं वो पहले फेंक दो। जब तक आप वो मुंह में के गोबर के गोले नहीं फेंकोगे, आपको बौद्ध धम का स्वाद नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करूंगा, केवल दीक्षा ही नहीं, शिक्षा भी हम लोगों को बौद्ध धम की लेनी चाहिए। किसी भी कर्मकांड अंधविश्वास में अपने आप को मत वहां पर रखो और उसमें से बाहर आओ। और यही आज की मैं आज यहाँ पर आप लोगों ने भीम सेना ने श्रीधर सालवे जी ने मुझे यहाँ पर उद्घाटक के नाते यहाँ पर बुलाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बंते जी, इन्होंने इनके ही हाथों से मैंने श्रामनेर दीक्षा नागपुर में वहां पर ग्रहण की थी। 3 महीना मैं श्रामनेर इस भारत में पूरा घूम रहा था, तो ऐसे भदंता आर्य नागार्जुन सुरेश ससई जी के द्वारा आज यहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने भी मुझे यहाँ पर विशेष यहाँ पर बुलाया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आप लोगों ने मेरा स्वागत किया उसके लिए भी आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए भी आप लोगों का स्वागत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।